कॉलर्स भी पीछे गालियां दे रहे होंगे मुझे कि बंदा फोन ही नहीं उठाता दूसरी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मोइन बात कर रहा हूँ, कोटलिया इलाके से। मोइन यहीं पे रुक बात कर सके जी। मोइन कहाँ से कॉल कर रहे हैं? कोटली आजाद कश्मीर से। मोइन कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं भाई? मैं कैसा लग रहा हूँ आपको दोस्त? अच्छे प्यारे खूबसूरत हैं एकदम, और क्या कहते तारीफ, इन्निया तारीफ काफी। बहुत ज्यादा है। अच्छा पता है, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है सामने बैठा, वो सड़ा जा रहा है, उसकी कोई तारीफ नहीं कर रहा। मैं दोस्त मैं और तुम एक जैसे ना, तो मैं कुछ सोच रहा हूँ यार, मैं सोचो उसको ये बोलूंगा कि आपको देखे ना तो आपके चेहरे से उसको अपना अक्स भी नजर आएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। टॉपिक वगैरह बताए ना, क्या टॉपिक है? टॉपिक ये है कि दोस्त के कुछ भी बोलो, अच्छा बोलो, सुथरा बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ भी पूछ ले, मैं बोल दूंगा। क्या क्या करते क्या हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं, कौन सी क्लास में? ग्रेजुएशन, प्राइवेट। प्राइवेट के लिए अलामा इकबाल से पढ़ने? जी जी। वेरी गुड, वेरी नाइस। लेकिन आपने अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से जब भी पढ़ाई करनी, कम से कम मास्टर्स करना है, आपको पता है? वो तो है, मगर यह कि अब मैं आपको यही बता रहा हूँ, अगर आप ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करेंगे तो बाहर जब आपने जाना होगा तो वो डिग्री जो है आपकी एसोसिएट डिग्री होती है अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की, याद रखिएगा, बाहर वो मास्टर्स कंसीडर किया जाएगा ग्रेजुएशन, ठीक है? Exactly. तो आपने ये चीज को जेहन में रखना है। देखिए कितना अच्छा बच्चा, मैं एक प्रोग्राम किया था मैंने इमिग्रेशन के ऊपर, मुझे याद रहेगी चीजें, है ना? जी बिल्कुल। और साहिल भाई आपका शो जो है ना, मैं काफी टाइम के बाद सुन रहा हूँ, और आप 101 की वो आवाज है जो, मतलब कि मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 18-20 साल से आप जी। मैं सिल्वर जुबली इस बार मनाने थे मैंने, किसी ने मुझे मुंह नहीं लगाया एक्चुअली में, लेकिन मेरे 25 साल पूरे एफएम 101 का बेस्ट आरजे का अवार्ड भी जीता हुआ जी। मैंने 2022 में, अभी 2022 के अगस्त में जो है वो, मुझे याद है मेरी बाइक चोरी हुई और अगले दिन अवार्ड थे। मैंने मैम को कॉल किया और मैंने कहा मैम ये हो गया, मैम कहती परेशान नहीं होने तुमने, कल तुमने मूड नहीं खराब करना, अल्लाह बेहतर करेगा। और रात को मिल भी गई बाइक मुझे, फिर कॉल आ गई कि बाइक मिल गई। नहीं लेकिन मेरी प्रोड्यूसर ना बहुत अच्छी है, ठीक है, और एक तरह से हम अपने प्रोड्यूसर जो है ना हमारे, उन्होंने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया है उनके साथ, वैसे ही हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, वो अपने बच्चों की तरह हमें लेके चलते हैं। तो उन्होंने मुझे उसी वक्त, तुमने परेशान नहीं होना, तुमने बहुत मेहनत की है जिंदगी में, अल्लाह ताला तुम्हारी किसी भी चीज को नुकसान में नहीं बदलेगा, इंशाल्लाह तुम्हें जरूर मिल जाएगा। हाँ लेकिन मुझे मोटरसाइकिल भी रात को मिल गई थी, फिर ये भी अच्छी बात है। अंडों के बारे में क्या बात हो रही थी? अंडों के बारे में बात हो रही है, जो पिछली कॉलर थी वो कह रही थी मैं सिर्फ अंडे ही खाती हूँ। मैंने कहा जी हम तो सिर्फ डंडे ही खाते हैं यहाँ पे, हमारी जिंदगी में यही है, यहाँ आओ तो प्रोड्यूसर के डंडे, घर जाओ तो बेगम के डंडे, और फिर ऑफिस जाओ तो बॉस के डंडे। जी जी, आपको ये भी बताऊंगे मुझे ना कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको, ओहो इतनी लंबी कॉल जो है वो फिर दायरे फिर ऐसा हो जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन है? जी कौन है? जी कौन है? किसने कॉल किया है मुझे? आप बोलो। मुझे नहीं पहचाना, मैं मुराद की अम्मी बात कर रही हूँ, तुम कौन हो, किससे मिलना है? बेचारे मतलब कॉल मिला लेते समझ नहीं आता। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, ये कौन है इतनी सीरियस सी आवाज, कौन है हमारे साथ? सर आई लव यू, आप जो भी थे आप बहुत 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 मजेदार कॉल, मैं बहुत सीरियस हूँ, रहने दो। यार आई विश कि आपसे दोबारा मेरी बात हो, आप बहुत अच्छे हैं, जो भी आप बहुत अच्छे हैं। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है ये? रीबा आपको पता है आपका नाम अरीबा है? अरीबा? हाँ जी। अच्छा मैं अरीबा कह देती हूँ। हाँ है, तो आपका नाम अरीबा नहीं है? मुझे घर में सब रीबो कहते हैं। रीबो, अच्छा। जी बोले, क्या रह गया, बोलो बोलो क्या बोलना है, बोलो। हाँ ना, घर में तो बोलने का मौका नहीं देता, आप ही बोलने का मौका दे मुझे। शुरू हो जाए। प्यारे भैया साहिल खान, आप है वक्त की पहचान, आए है। सभी लेखक की जान, जिसके पास वो शो सुनने की एक्सेस, यकीन मानिए जो साहिल का शो सुने खत्म हो जाएगा माइंड स्ट्रेस।
वाह क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा मैंने अभी नोटिस किया कि मैंने बड़े कलर मैच करके पहने हुए हैं वन से। वाह जबरदस्त, बहुत शुक्रिया अरीबा। कुछ और कहना चाहेंगी अरीबा? अरीबा कार्टून्स भी आते थे ना, एक कार्टून्स भी आते थे कुछ इस तरह से बोलते थे। हेलो जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, मेरी भी कॉल ड्रॉप हो गई थी, दोबारा से कॉल की। ये कौन है? मोइन बात कर रहा हूं। मोइन जी, मोइन बोले, मोइन क्या रह गया था, क्या सुनाना है दोस्त, क्या बोल रहे हैं बोलो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अरीबा जो आती है, अरीबा से ये बहुत कॉलम निकाल रहे हैं, नज़्में वगैरह लिखती है और अनुमानवान की बेस्ट लिस्नर है और बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। तो मैं ये कहूँगा कि ये कॉलम लिखा करें और अखबार में शाया हो रहा है कॉलम की, तो ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और जो भी आगे सुनती है ना उस। अच्छा मुझे लगा कि आप मेरे बारे में कोई बात करेंगे। आपके बारे में मैं तो शायद मैं मुझे लगा शायद मुझे दुख हुआ है मुझे यार, ऐसे कौन करता है यार। अच्छा आपकी तारीफ, आप तो आगे तारीफ किया ना और कर दो। नहीं आप रहन दो, मतलब एक करवानी पड़ती है मुझे, कितने अफसोस की बात है, मतलब रहन दो यार बस। अरीबा को भी माइक ले जाए आप यार, दुख हुए तकलीफ हुए सड़ा हूं मैं अंदर से। वो तो लिस्टनर है, आप तो आरजे हैं, आप तो बेस्ट आरजे हैं, एफएम मनोवन के आप तो सुपर डुपर आरजे हैं। अच्छा फिर और और कुछ कहना चाहते हो तो कह लो। और कुछ कहना चाहता हूँ आपकी नजर एक शेयर करें जी, अच्छा सा करना। अच्छा सही है। हाँ शेर है कि मोहब्बत में बेसब्री जैसी, साहिल भाई मोहब्बत में बेसब्री जैसी, तसल्ली रख तेरा काफी है। आई लव यू टू मैन, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मैं सब मौजूद थे मोइन, और मौजूद नहीं थे, मौजूद थे मोइन।